हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं जिस ब्रांड के प्रोडक्ट्स का रिव्यू करूंगी उसका नाम है निर्वाना बोटैनिक्स। पाकिस्तानी ब्रांड है और आज मैं उनके दो मॉइस्चराइज़र्स के बारे में बात करूंगी और अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगी। पहला मॉइस्चराइज़र है क्लाउड जेल मॉइस्चराइज़र और दूसरा है व्हिप्ड रिच मॉइस्चराइज़र। तो पहले जेल मॉइस्चराइज़र की बात करते हैं। ये एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है और इसकी कीमत है 1950 रुपये। इसमें आपको मिलता है 50 ग्राम प्रोडक्ट। ये एक जेल बेस्ड फार्मूला है। जेल बेस्ड फार्मूला ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, नॉन ग्रीसी होते हैं और यूजुअली ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। इस मॉइस्चराइज़र के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है नाइसिनमाइड और इसके अंदर 10% नाइसिनमाइड है, क्योंकि नाइसिनमाइड ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और ये आपकी स्किन में ऑयल की प्रोडक्शन को और सीबम को कंट्रोल करता है। और ये मॉइस्चराइज़र क्योंकि ऑयली स्किन वालों को माइंड में रख के बनाया गया है, इसलिए इसमें नाइसिनमाइड की कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर पीपल विद ऑयली स्किन। आपको अलग से नाइसिनमाइड सीरम नहीं लगाना पड़ेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट इस मॉइस्चराइज़र के अंदर है 1% विच हेज़ल एक्सट्रैक्ट। विच हेज़ल एक एस्ट्रिंजेंट के तौर पे काम करता है और ये विजुअली आपके पोर्स को श्रिंक कर देता है। विच हेज़ल यूजुअली टोनर्स की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, यहाँ पर इन्होंने इसको मॉइस्चराइज़र के अंदर भी इनकॉर्पोरेट किया है। ये आपके पोर्स को श्रिंक करेगा और पोर्स की अपीरेंस को कम करेगा। तो अगेन अनदर बेनिफिट फॉर पीपल विद ऑयली स्किन। और इसमें रोज़ वाटर है, हाइलुरोनिक एसिड है और इसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी हैं। रिसर्च के मुताबिक प्रोबायोटिक्स आपकी स्किन को काफ़ी सूदिंग इफेक्ट देते हैं और ये आपके स्किन बैरियर को मजबूत बनाते हैं। ये मॉइस्चराइज़र लाइट पिंक कलर का जेल मॉइस्चराइज़र है और इसके अंदर हल्की सी फ्रेग्रेंस भी है, प्रोबेबली ड्यू टू दी रोज़ वाटर। आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बिल्कुल कोई ग्रीसी फीलिंग नहीं देता और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और इसको समर में लगाने से पसीना भी नहीं आएगा। सो आई टोटली रिकमेंड दिस फॉर पीपल विद ऑयली स्किन एंड कम्बिनेशन स्किन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर सेकेंड मॉइस्चराइज़र, विच इज़ देयर व्हिप्ड रिच मॉइस्चराइज़र क्रीम। इसकी भी सेम प्राइस है 1950 रुपये और इसके अंदर भी आपको 50 ग्राम प्रोडक्ट मिलेगा। इस मॉइस्चराइज़र के साथ ड्राई और रफ स्किन को टारगेट किया गया है और ये एक ऑयल बेस्ड फार्मूला है। इसके अंदर 2% हाइलुरोनिक एसिड है और 3% नाइसिनमाइड है। इस मॉइस्चराइज़र के अंदर बहुत सारे ऑयल्स हैं। इसके अंदर स्वीट आलमंड ऑयल है, सैफ्लावर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, होहोबा ऑयल है, इसके अंदर कैमोमिल ऑयल है और इसके अंदर लेवेंडर ऑयल भी है और इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट्स भी हैं। बट दिस मॉइस्चराइज़र वॉज अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। अगर आप निर्वाना बोटैनिक्स की वेबसाइट पर जाएं और इस मॉइस्चराइज़र की डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो ब्रांड के मुताबिक दिस मॉइस्चराइज़र इज़ सुपर लाइट ऑन योर स्किन एंड इट अब्सॉर्ब्स वेरी फास्ट, विच इज़ नॉट ट्रू इन माय ओपिनियन। मेरे मुताबिक आई थिंक ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ग्रीसी है, बहुत ज़्यादा ऑयली है और बहुत हैवी फीलिंग देता है। इसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल्स की कंसंट्रेशन है और ये आपकी स्किन पर नज़र आती हैं। ये बिल्कुल भी जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता। समर में तो आप ये मॉइस्चराइज़र बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाएंगे, विंटर में शायद ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे। मुझे तो ये मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आई और स्किन बहुत ज़्यादा हैवी और ग्रीसी फील हो रही थी। और इसके अंदर फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मीठी सी कैंडी की तरह की फ्रेग्रेंस है, विच इज़ नॉट अप टू माई टेस्ट। आई डोंट वॉन्ट माई फेस टू स्मेल लाइक अ कैंडी, सो इट्स अ नो फॉर मी। ये मैंने सिर्फ इतना सा प्रोडक्ट लिया है, अभी तक ये मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कोई ऑयल की बहुत ही थिक लेयर अपनी स्किन के ऊपर लगा ली है और बहुत ही ग्रीसी फीलिंग है इसकी, और ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं कोई ऑयल अपने हाथ के ऊपर रब कर रही हूँ। आई थिंक इसको अच्छे से इमल्सीफाई नहीं किया गया इस मॉइस्चराइज़र को, और ये बिल्कुल भी नॉन ग्रीसी फीलिंग का तो छोड़ें आप, बिल्कुल भी अच्छी कंफर्टेबल फीलिंग नहीं है। और अभी ये मैंने हाथ पे अप्लाई किया है, चेहरे पे लगाकर तो बिल्कुल ऐसे फील होगा जैसे स्किन सफोकेट हो रही है। सो आई एम नॉट गोइंग टू रेकमेंड यू गाइस दिस व्हिप्ड रिच मॉइस्चराइज़र। मुझे इसका फार्मूला बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन जो इनका फर्स्ट मॉइस्चराइज़र मैंने डिस्कस किया है ऑयल फ्री क्लाउड जेल मॉइस्चराइज़र, वो फार्मूला बहुत अच्छा है और ऑयली स्किन और कम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। And that was all for today's video. I hope aaj ki video bhi kaafi helpful hogi. I'll see you guys in the next one. Till then, bye.